अगर जिस दिन बिहार के एक और लोग फेसबुक पे सुनो बिहार लगा लेंगे, ऑटोमेटिक लगेगा कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है, तो लगाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार नहीं है या वहाँ पे आप चले जाते हैं और जहाँ पे बीजेपी की सरकार अगर रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, मर्डर हो जाए, पे आप नहीं पहुँच पाते। सिस्टम को फालतू फालतू मुद्दा मैं नहीं करता, मेरी लड़ाई सिस्टम से है, मैं हजारों वीडियो में बोल चुका। छोड़ दे, कहने का मतलब यही है ना, कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि मनीष का सब चीजों को दिखाना छोड़ दे, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गए हैं, सही है कि नहीं है? मतलब लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि नहीं, ठीका सिर्फ एक ही व्यक्ति लिया है, वो है मनीष कश्यप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस पे कॉपीराइट नहीं लिया है, मैं जाके ट्रेड मार्क का लाइसेंस नहीं ले लिया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत, मैं अजीत उपाध्याय। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो शायद परिचय के मोहताज नहीं है और बिहार में सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, यानी मनीष कश्यप। बात करेंगे इनसे। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था, बीते एक हफ्ता पहले, और उस कार्यक्रम में बहुत सारे सवाल उठ के आए, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम से लड़ने का और बिहार में कुछ बदलाव करने का, और कहीं न कहीं और नेता हो या फिर अभिनेता हो या फिर इंजीनियर हो, कोई भी विभाग के लोग हो, शायद अगर मनीष कश्यप का नाम सुन ले और जान जाए कि मनीष कश्यप रिपोर्टिंग करने आते हैं, तो रास्ता हो या स्कूल हो, जरूर बदल जाता। सबसे पहले भैया स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोला सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार सिर्फ मैं नहीं, मैंने अपना नाम लगा लिया। मान लीजिए कि आप अपना सरनेम लगाते हैं, यादव, पांडे, उपाध्याय, पासवान, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, आप लगाते हैं, मैंने सन ऑफ बिहार लगा लिया है। वो एक टाइटल है, वो आप भी लगा सकते हैं, बिहार के सभी लोग लगा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आप ही इकलौते सन ऑफ बिहार कैसे, अरे सब सन ऑफ बिहार है, जो बिहार में पैदा हुए हैं दे ऑल आर सन ऑफ बिहार। आप लगाइए तो सही, आप अपने टाइटल से निकल नहीं रहे, आप अपने जातिवाद जो छवि लगा हुआ है उससे आप निकल नहीं रहे, आप लगाइए, सभी लोग सन ऑफ बिहार है। और हाँ, सिस्टम से लड़ने का हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, आप लोग जैसे भाइयों का साथ मिलता है और लड़ते रहेंगे। सन ऑफ बिहार है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि नहीं, ठीका सिर्फ एक ही व्यक्ति लिया है, वो है मनीष कश्यप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस पे कॉपीराइट नहीं लिया है, मैं जाके ट्रेड मार्क का लाइसेंस नहीं ले लिया हूँ कि हाँ ये मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा। सभी लोग लगा सकते हैं। अरे जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं भी चौकीदार, तो आप देखे होंगे कि 1.5-2 करोड़ के आसपास जो है फेसबुक पे यूजर ने मैं भी चौकीदार लगा लिया, ठीक है कि नहीं? तो सन ऑफ बिहार क्यों नहीं लगा रहे? अगर जिस दिन बिहार के 1 करोड़ लोग फेसबुक पे सन ऑफ बिहार लगा लेंगे, ऑटोमेटिक लगेगा कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है, तो लगाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक सवाल ये उठता है, बीते दिन पहले दुमका झारखंड में आप गए थे, और कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जहां अजय मिश्रा ट्रेनिंग है, राज्यसभा गृह राज्य मंत्री है, वहाँ पे एक बलात्कार हुआ था, वहाँ पे आप नहीं गए? सवाल उठता है कहीं ना कहीं, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है या वहाँ पे आप चले जाते हैं और जहाँ पे बीजेपी की सरकार अगर रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, मर्डर हो जाए, पे आप नहीं पहुँच पाते? सर शायद आपने मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा है, यूट्यूब पे 200 वीडियो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का 200 चुनाव के समय, चुनाव के समय, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, सब है, चुनाव के बाद भी है। कानपुर में एक पुल जो है वो डैमेज था, एक नहर पे, उसका भी वीडियो है, ठीक है, बहुत सारा वीडियो है। उसके अलावा जो है राजस्थान का वीडियो है, झारखंड का वीडियो है, बिहार में बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे जो सिवान के ही है, और अभी मैं सिवान में ही बैठा हूँ, उस स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भी वीडियो है। समस्या क्या है कि जब मैं उत्तर प्रदेश रहता हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे बिहार छोड़ के भाग गया, और जब मैं बिहार रहता हूँ तो लोग कहते हैं अरे उत्तर प्रदेश नहीं पहुंच रहा है। मैं उत्तर प्रदेश बिहार की बात नहीं, आपने मंगल पांडे का उदाहरण दिया, इसे सिवान से है, सिवान की मिट्टी से है। इसी मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, यही सिवान जिनका गृह जिला है, उसी सिवान के सदर अस्पताल में मैं घुसा था जब एम्बुलेंस का हेरा फेरी हुआ था, घुसा था कि नहीं घुसा था? गोपालगंज में घुसे थे, सिवान में घुसे थे, गोपाल, वो चीज नहीं है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बलात्कार हो जाता है किसी की बेटी बहन के साथ, किसी परिवार, गरीब दलित परिवार के साथ हो जाता है, तो वहाँ पे इंसाफ के लिए मनीष कश्यप क्यों नहीं जाते हैं? अरे तो आप तो सवाल गलत पूछती है। जंदाहा में रेप हुआ था, बिहार के जंदाहा में, हाजीपुर में गया था कि नहीं गया था? तो बिहार में बीजेपी नॉन शासित राज्य है। अरे उस समय शासित में था महाराज, जानकारी लिया कि समझे ना, आधा अधूरा जानकारी बड़ी खतरनाक होता है, समझे ना, कहीं भी रोड एक्सीडेंट हो सकता है।
बीजेपी था उस समय। कौन था? बीजेपी। हाँ समझे ना। उसके बाद से झारखंड में मैं गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तराखंड में जो कांड हुआ है अंकिता वाला कांड, अभी मेरे चैनल पे वीडियो डाला गया है, आप देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो डाला गया है, ठीक है। राजस्थान में मैं गया, गुजरात में मैं गया हूँ, मैं कर्नाटका में गया हूँ जहाँ पे बीजेपी शासित है। कर्नाटका में कौन है? बीजेपी ही है ना? बिल्कुल। वहाँ पे मैं गया हूँ। असम में कौन है? बीजेपी है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री है। मतलब किसकी सरकार? बीजेपी की है। किसकी? बीजेपी की है ना। तो असम में जब बाढ़ आया था तो वहाँ पे भी गया था, ठीक है, वहाँ पे भी गया। तो बाढ़ पे आप जाते हैं, सरकार को नहीं घेरते हैं ना, वहाँ पे सिस्टम को घेरते हैं। आलतू फालतू मुद्दा मैं नहीं करता, मेरी लड़ाई सिस्टम से है। मैं हजारों वीडियो में बोल चुका, मैं बेवजह नहीं। ठुमका वाला में आप बोले थे कि यहाँ की जो सरकार है छुट्टी मनाने उत्तराखंड चली गई है। उत्तराखंड नहीं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गई है, जहाँ पे जहाँ कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ, यहाँ पे भी अभी कल का वीडियो में मैं बताऊँ। कल आप इंजीनियर के ऊपर सवाल उठाते हैं, रात आप उठाए थे इंजीनियर के ऊपर। सवाल ये भी उठता है कि इंजीनियर को ज्यादा टारगेट करते हैं, आप इंजीनियर है इसलिए ईआर मनीष कश्यप लिखते हैं। देखिए, अगर आप वकालत फील्ड से आएंगे पत्रकारिता में तो आपको लॉ की ज्यादा जानकारी होगी। मैं इंजीनियरिंग फील्ड से आया हूँ, इंजीनियरिंग की मुझे ज्यादा जानकारी है। मैं बोलता हूँ कि इसमें कौन सा सीमेंट यूज किया गया आप नहीं बता पाएंगे, इसमें कौन सा सीमेंट यूज किया गया नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं बता दूंगा। तो मुझे इन सब चीजों की जानकारी है, इसलिए मैं इन सब चीजों पर सवाल उठाता हूँ। और देखिए, किसी भी आदमी के ऊपर सवाल उठाना बड़ा मतलब आसान है, और बड़ा मुश्किल है उसकी भावनाओं को समझ जाना। अगर आप मेरी भावनाओं को समझ जाएंगे तो आप भी बिहार के बदलाव में बड़ा योगदान दे देंगे। नहीं समझेंगे तो टांग खींचने के लिए हजारों ऐसे सवाल है जिस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। एक सवाल ये भी उठता है कि जिस व्यक्ति या फिर इंजीनियर हो या फिर स्कूल के लोग हो, अगर उस पर आप उंगली उठा देते हैं, उसका वीडियो चला देते, उसकी नौकरी चली जाती है, उसका परिवार जो रोड पे आ जाता है। बलात्कारियों का परिवार रोड पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसका आना चाहिए। मैंने बलात्कारियों की बात नहीं की, मैंने सिस्टम की बात की। जैसे आपने सिसवन में चलाया था तो हेडमास्टर वहां से हट गई, यानी आपने उसका नौकरी खा गया। बहुत बड़े बहुत खराब काम कर दिया, वो आपकी चाची लगती थी। नहीं नहीं, वो परिवार बोल रहा है कि हम रोड पे आ गए, रोड पे आ गए। सुनिए ना, वो आपकी चाची लगती थी। नहीं, हमारा कोई नहीं लगता, लेकिन ये सवाल इसी सिसवन से है। सुनिए, सवाल ये उठा है, सुन ना लेंगे। वो सही काम कर रही थी वहाँ पे, आज भी सही नहीं हो रहा है। होगा सही, एकदम जो आया होगा उसको डर होगा, धीरे धीरे सिस्टम बदलेगा, एक बैग तो नहीं बदलेगा। वो जो कर रही थी वो सही कर रही थी। आप उस स्कूल में देखे हैं, ब्लैक बोर्ड तक नहीं था, उसमें होल था। यानी हम लोग पत्रकारिता करना छोड़ दें, मतलब चीजों को दिखाना छोड़ दें। कहने का मतलब यही है ना, कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि मनीष कश्यप चीजों को दिखाना छोड़ दे, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गए हैं। सही है कि नहीं है? मतलब सही नहीं है। एक मिनट, तो कैसे उठाएं? हॉस्पिटल में उठाते हैं तो वहां पे कुछ लोग सस्पेंड हो जाते हैं, हॉस्पिटल में उठाते हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं, ब्लॉक में उठाते हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं। अगर कोई एमओ जो मतलब कि होता है उसके खिलाफ उठाते हैं तो वो सस्पेंड हो जाता है, कोई टीचर के खिलाफ उठाते हैं तो वो सस्पेंड हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि वो गलत है तब ना सस्पेंड हुए हैं, कि वो ईमानदार है, हरिश्चंद्र है। अच्छा चलिए, मैं माफी चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब आपके द्वारा जो है ना, उस शिक्षक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति सिसवन के जो प्रिंसिपल थी उनको बुलाइए और भारत रत्न दे दीजिए, और हमको गलत साबित कर दीजिए। सवाल ये उठा रहे हैं लोग कि बहुत सारे ऐसे परिवार है, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे आवाज उठाना चाहिए। जैसे आपने एक बगल में नया गांव में दिखाया था, ग्राउंड का दिखाया था, ऊपर का दिखाया था, बहुत सारे ऐसी चीजें दिखा रहे हैं स्कूल को लेकर के या फिर सिस्टम को लेकर के। लेकिन एक सवाल उठता है, कहीं ना कहीं आप 2020 में चुनाव लड़े चनपटिया से, राजनीति पे थोड़ा सा आ जाते हैं, चनपटिया से चुनाव लड़े, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में आप भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। आधा अधूरा जानकारी बड़ी खतरनाक होता है, फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, जो चनपटिया से 2020 में नहीं लड़े, जो चनपटिया से चुनाव जीते हैं वो बीजेपी के हैं, ठीक है, और उन्होंने मेरे ऊपर केस किया था, पता है, और उनसे मेरा 36 नहीं 136 का आंकड़ा है। राजनीति में सब खत्म हो जाता है, जब खत्म करा दीजिए, बढ़िया, मोदी जी से बात कीजिए, लीजिए हमारा मोबाइल, 20 साल साथ नहीं चले, लेकिन आज आ गए ना। सुनिए ना, टिकट दिलवा दीजिएगा, बढ़िया, लीजिए टिकट, आपको खुद बीजेपी दे रहा है। अरे ये हमारा प्रचार कर रहे हैं, चलिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये सवाल उठ के आ रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप चुनाव 25 से तैयारी कर रहा है। इंटरव्यू में सबसे बढ़िया सवाल और सबसे बढ़िया जवाब आप ही दे दिए, आप ही सवाल किए, आप ही जवाब दे दिए। भगवान करे आपके मुंह पे सरस्वती बैठी हो उस समय, समझे ना।
सबकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। और देखिए हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है सिस्टम के खिलाफ। और देखिए एक डॉक्टर नेता बन सकता है, एक वकील नेता बन सकता है, बिजनेसमैन नेता बन सकता है, समाज सेवी नेता बन सकता है, 20-25 को पत्रकार नेता बन जाएगा तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? क्या पता उसी 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 टिकटों में से आधा फाड़ के आपको भी मिल जाए। नहीं नहीं टिकट के यहीं पे हम ब्रेकिंग न्यूज़ से ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम लड़ चुके हैं, हम मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं, नहीं लड़ चुके हैं मुखिया का चुनाव। और इसी सिस्टम में हम आवाज उठाते हैं मेरे ऊपर तो सरकारी काम में, वो हम पे भी लगा है बहुत बादल। तो क्या करेंगे कि इनके ऊपर केस मुकदमा ना किया जाए? अगर केस मुकदमा करेंगे तो हम इनके लिए खड़े रहेंगे, आप सही बना रहिएगा। एकदम हम सही हैं, हम एकदम निष्पक्ष आपकी तरह जो है वही चीज दिखाते हैं, क्योंकि नहीं दिखाते तो